दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि टीवी सीरियलों में अभिनेताओं द्वारा निभाए गए किरदारों में से किस किरदार ने अपनी मासूमियत और सादगी भरे अंदाज से दर्शकों का दिल जीता है, तो शायद आप भगवान श्री राम के किरदार का नाम लेने से पहले एक सेकंड का भी वक्त ना लें। टीवी इंडस्ट्री में कई अभिनेताओं ने राम का किरदार निभाते हुए सीरियल को तो सुपरहिट बनाया ही है, साथ ही खुद को भी अपनी एक अलग पहचान ली है, और इसीलिए आज इनमें से कई अभिनेताओं को भगवान श्री राम के लिए ही जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री के इन अभिनेताओं में से किसे भगवान श्री राम के किरदार में दर्शकों ने किया है सबसे ज्यादा पसंद, और इस मामले में किस अभिनेता ने बनाई है अपनी नंबर वन पोजिशन? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी मजेदार सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस सवाल का जवाब। नंबर 6, हिमांशु सोनी। इस लिस्ट में छठे नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेता हिमांशु सोनी का। रामशिया के लक्को सीरियल में अभिनेता हिमांशु सोनी ने राम का किरदार निभाया था, जिसके साथ शिव्या पठानी माता सीता के किरदार में दिखाई दी थी। सीरियल में हिमांशु सोनी ने भगवान श्री राम के किरदार को इतनी खूबसूरती और शिद्दत के साथ निभाया कि नंबर 5, तुमेद मुदकलकर। इन दिनों लोकप्रिय धारावाहिक राधा कृष्णा में कृष्णा की भूमिका निभा रहे तुमेद मुदकल शो में यूं तो कई किरदारों में दिखाई दे चुके हैं, जिसके दौरान भगवान विष्णु के अवतार की महिमा देखते हुए सुदेश को राम बनने का मौका भी मिला था, जहां अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सुदेश ने सभी का दिल जीता और कई पॉपुलर अवार्ड भी अपने नाम किए और इसी तरह बना लिया इन्होंने अपनी लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी जगह। नंबर 4, आशीष शर्मा। साल 2015 में आए टीवी शो सिया के राम में भगवान श्री राम की मुख्य भूमिका निभाकर दर्शकों के बीच छा उड़ने वाले अभिनेता आशीष शर्मा ने अपने इस किरदार के साथ जितने पॉपुलर हुए हैं इस बात से तो आप वाकिफ हैं, तभी तो इन्होंने इस लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है, जिन्हें आज भी इनके इसी मासूमियत भरे किरदार के लिए याद किया जाता है। नंबर 3, गगन मलिक। साल 2012 में आए टीवी शो रामायण के जीवन आधारित में का रोल प्ले किया था। वहीं साल 2015 में हनुमान पर आधारित एक सीरियल शुरू हुआ, जिसका नाम था संकट मोचक महाबली हनुमान। सीरियल में एक बार फिर गगन मलिक राम के किरदार में नजर आए थे, जो कि अपने पहले भगवान श्री राम के किरदार की तरह ही इस किरदार के साथ भी दर्शकों के चहेते बन गए, जिस वजह से इन्हें इस लिस्ट में नंबर 3 की पोजिशन मिली है। नंबर 2, गुरमीत चौधरी। बात हो टीवी सीरियलों में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर दर्शकों के फेवरेट बनने वाले अभिनेताओं की, और इसमें भला गुरमीत चौधरी का नाम ना आए भला ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने जिस तरह से सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का किरदार अदा किया था वह बेहद ही लाजवाब था, जहां इनका सादगी भरा अंदाज सभी को दीवाना बनाते हुए नजर आया था, जिसका यही प्यारा सा किरदार इन्हें इस लिस्ट में नंबर 2 पर ले आया है। नंबर 1, अरुण गोविल। जी हां, अभिनेता अरुण गोविल ही हैं टीवी इंडस्ट्री के वह पॉपुलर एक्टर जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाकर जीता है दर्शकों को सबसे ज्यादा दिल और बना ली है इस मामले में नंबर 1 पोजीशन। बता दें कि इन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण में भगवान श्री राम का किरदार अदा किया था, जहां इनकी मासूमियत में सभी डूब गए थे, यहां तक कि इन्हें असल जिंदगी में भी भगवान राम की जगह दे दी गई थी। तो दोस्तों, यूं तो अभिनेता अरुण गोविल ने बना ली है इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन। वेल, इनमें से आपका फेवरेट स्टार कौन है, आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।